नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ पे बैंक ऑफ लॉरियर कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये स्टॉक जो है अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक अच्छा सा रेंज में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि एक बुलिश अभी यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। इसकी लिस्टिंग डेट देख सकते हैं आप, इतनी इसमें कितनी की है। यहाँ पे ये ऑफिशियल उसका सिंबॉलिक नेम है, ये लिस्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 जुलाई 1995 को ये डेवलपर में आता है। यहाँ पे इसका पी देख सकते हैं, इसका सेक्टर का पी ये निफ्टी 500 में आता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका कुछ दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो काफ़ी हद तक जो एक दिन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंट हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसमें बड़ा है, एक दिन का है ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक वीक की बात करें थोड़ा सा ये माइनस में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक वीक के बारे में। अगर हम वही एक मंथ के बारे में बात करें तो वो भी आपको थोड़ा सा माइनस में रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए तो इसके कुछ दिनों का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, थोड़ा सा इतना बढ़िया आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो हम सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमें तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। 5 साल का भी इतना बढ़िया रिटर्न इसमें नहीं दिया है। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं कि इस थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से ये इसमें थोड़ा सा अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। SIP के मामले में भी उतनी बढ़िया आपको यहाँ पे रिटर्न इसने नहीं दिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बताएंगे कि इसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में आज बताएंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में है, जो हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से प्रॉफिट यहाँ से फिर कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर उसने थोड़ा सा बढ़ गया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत कम हो गए इसके मुकाबले। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा रिटर्न हम नहीं कह सकते कि थोड़ा सा कम आते आते गया। तो इस तरीके से आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर साफ साफ आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये जो चार्ट है यहाँ पे आप अगर देखें इसमें थोड़ा सा, अगर ये थोड़ा सा इसमें जोन हम बात करें तो इसमें एक और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें जो दिखाई देगा ये नीचे डाउन फॉल आते हुए लगभग आप देख सकते हैं कि ये 5-6 दिन से ये नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से अब यहाँ पे सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट में है। तो एक बाइंग पोजीशन हम कह सकते हैं कि इसकी अभी बाइंग पोजीशन आप इसमें ले सकते हैं। और दूसरा आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जो इसमें अगर इसमें नीचे आने के बाद भी अगर इससे नीचे आता है तो ये यहाँ तक आ सकता है यहाँ पे इस रेंज में, नहीं क्या? तो इस तरीके से तो थोड़ा सा अभी हम इसे कट करते हैं। ये 44 हमने यहाँ पे जो मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है यहाँ पे ये 44 है, यानी आप इसमें 44 के बारे में आप बताएंगे। यहाँ पे 44 MA हमने यहाँ पे लगाया है, ये जो रेंज है ये 120 की रेंज नहीं गया, ये एक बाई की रेंज होगी आपके लिए। तो काफी बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट इसने दिया है। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अगर आप देखें इसमें तो ये इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है उसकी। अगर उसका रेंज हम देखें तो ये 30 की हम रेंज रख सकते हैं, जो कि ये सेल की रेंज होगी। हम यहाँ से अगर हम यह एंट्री हम यहाँ पे लेंगे 120 पे, तो हम यहाँ पे 30 पे उसकी हम एग्जिट निकालेंगे यहाँ से इस तरीके से। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये नीचे आया, फिर इसने ऊपर, फिर नीचे, फिर इसने थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने थोड़ी सी मूवमेंट पकड़ी, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर मूवमेंट पकड़ी, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर इस तरीके से अब ये स्टॉक चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी एक रेंज में थोड़ा सा अगर ट्रेंड लाइन हम खींचे, इसमें एक ट्रेंड लाइन खींचे तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा कि ये इस तरीके से ये सपोर्ट कर रहा है, नहीं कि ट्रेंड लाइन को भी। तो काफी हद तक ये सपोर्ट आपको दिख सकता है अगर आपने यहाँ पे इसने थोड़ा सा
इस पोजीशन पे अगर आपने इस ट्रेंड लाइन का अगर देखा होगा तो इस पोजीशन पे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है और यहाँ पे अभी सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये जब यहाँ से उठा तो अच्छा मोमेंट पकड़ा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ये इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो हम ये रेंज देख सकते हैं कि ये 130 की रेंज हमें यहाँ पे मिल सकती है, जो कि मेरे ख्याल से 130 पे आपको अच्छी खासी बाइंग पोजीशन मिलेगी, सेल पोजीशन मिलेगी। आप 120 पे अगर एंट्री लेते हैं तो आप 130 पे एग्जिट मार सकते हैं। थोड़ा सा अभी यहाँ पे स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल हमें क्लियर कट नहीं मिल रहा है, जो कि हम बताएंगे आपको कि अगर किसी यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलता है तो हम बाय करेंगे, अगर थोड़ा सा और भी एक थोड़ा सा रेड कैंडल आता है तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हमारी बाय पोजीशन यहाँ पे होगी, फिर इस जोन में हम बाय पोजीशन करेंगे। हो सकता है कि इस तरीके से जाके इस तरीके से ये नीचा यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए। तो इस तरीके से हम आज बात करेंगे स्टॉक के बारे में। बहुत बढ़िया से चार्ट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इतना बढ़िया अभी यहाँ पे मूवमेंट उसमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी कैंडल अगर देखे तो यहाँ पे एक सिग्नल हमें नहीं मिला है कि अब इस यहाँ से देखिए यहाँ तक ये पूरा तरीके से ये फॉल, यानी ये डाउनफॉल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी डाउनफॉल आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पूरी तरीके से ये नीचे आता हुआ आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अगर थोड़ा सा इसने तोड़ा इस सपोर्ट को तो और भी ये इस यहाँ तक जो नीचे आ सकता है, और ये रेंज आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ये रेंज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इस जोन को आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा और एक कैंडल मिलने दीजिए, फिर यहाँ पे नीचे आने की चेष्टा कर सकता है। या जैसे यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद एक अच्छा सा हमें ग्रीन कैंडल मिला, ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे हमने बाय किया होता इस जोन में तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और हम यहाँ से यहाँ तक एग्जिट निकाल सकते थे इस तरीके से। तो हमने काफी हद तक इसका अच्छा सा एनालिसिस किया है। और आप अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।